अवाम वेलकम टू बकरे वालों की बातें यूट्यूब चैनल अगेन। अभी हम खुरीजी में हैं और गुल्ली भाई के सेटअप पे, गुल्ली भाई के सेटअप पे भी माशाल्लाह से खूबसूरत गजरों का, मेवाती तोता परियों का शौक कर रखा है। और सारी डिटेल्स लेंगे हम असद भाई से लेंगे, जितनी भी डिटेल्स हैं वेट के बारे में, हाइट के बारे में, दांतों के बारे में, सभी डिटेल्स असद भाई देंगे। और जैसी भी आपको क्वेरी करनी हो रिलेटेड टू गोट्स, आप असद भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन पे कौन सी खड़े हैं भाई? हम खुरेजी परवाना रोड पर खड़े हैं, मक्की मस्जिद के पास। मक्की मस्जिद के पास। यहाँ पे कोई आसपास मेट्रो स्टेशन पड़ता है आने के लिए? बिल्कुल, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पे या बैटरी करके आ सकते हैं? बैटरी करके आ सकते हैं, ई रिक्शा मिलता है निर्माण विहार से उतर के। हाँ, अपना यहाँ पर परवान रोड पे उतर जाए, ठीक है, वहाँ से आप पिक कर लेंगे। पिक कर लेंगे, ठीक है। तो असद भाई अभी ये क्या डिटेल्स है बकरों की, एक एक करके देखते हैं। पहले कोई सा भी एक बकरा ले लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है असद भाई, पहले ये बताइए बकरे पंच हैं खस्सी हैं हाथ के? भाई ये पंच है, तीनों बकरे पंच हैं। और कितने टाइम पहले हुए थे भाई इनको? हो गया कम से कम आपका फरवरी में हुए थे। फरवरी में? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों माशाल्लाह, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों की उम्र कितनी है तीनों की? भाई इनकी उम्र हुई कम से कम 8-8 महीने के बच्चे होंगे। 8-8 महीने के बच्चे हैं अभी तक, इन्होंने कोई झीली नहीं करी, कुछ नहीं। अभी बिल्कुल अभी जो आपके पास है लाइव वेट पे कितना खड़ा है? लाइव वेट हुआ 40-45। 40-45। अगली ईद तक कितना हम देख सकते हैं, कितना ये वेट ले लेंगे तीनों? इंशाल्लाह जो लेगा उसके ऊपर बात है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता। वैसे इंशाल्लाह अगर जो इसकी लाइफ अच्छी करते हैं इंशाल्लाह 80-75 की रेंज रहने वाली है। और तीनों जो है, और तीनों एक ही जोड़ के एक ही तोड़ के बकरे हैं, एक ही कलर पैटर्न के, ठीक है। असल भाई वेट जो है ना दोनों में भी इतना ही होगा, इसमें भी तकरीबन इतना ही होगा, 35-40 kg। अभी बाल का भी उतरवाया अभी आपने? बिल्कुल, बाल ये अभी 2-3 दिन पहले उतारा है, और माशाल्लाह प्रॉब्लम आएंगे, वैक्सीनेशन वगैरह सब करवाई है। मतलब बकरे आपको मैं बता दूं बेनिफिट है अगर आप लेते हैं, क्योंकि बाल उतरे हुए, खुर कटे हुए, और दूसरी बात आपको एक सेटअप से बकरे मिल रहे हैं दिल्ली के एटमॉस्फेयर में सेट हुए बकरे हैं, तो आपको ले जाने के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी कि बकरा खा नहीं रहा या बकरा बीमार पड़ गया, इस तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑलमोस्ट ये दिल्ली के सेटअप में जो है एटमॉस्फेयर में सेट है। छोड़ देना सब भाई, बकरे एक्टिव है, मैं और दिखा देता हूँ आपको तसल्ली से। असद भाई इनको लेके जाना उधर जरा, माशाल्लाह सर मजा आ गया असद भाई बकरे देख के। कोई भी क्वेरी हो असद भाई से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, खुरीजी में मिल जाएंगे, और वीडियो में बहुत जल्द आपको डाल दूंगा, आप डायरेक्ट बात करिए असद भाई से। और वीडियो मंगानी हो, लोकेशन मंगानी हो, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बात करनी हो, ये सारी बातें आपको असद भाई बता देंगे तसल्ली के साथ। तो दुआओं में याद रखें भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।